Hello students, today I am going to start lecture 5th of solutions, that is unit 2nd of class 12th chemistry. In earlier lecture I have discussed about vapor pressure, and now in this chapter I will explain Raoult's law. Vapor pressure for volatile substances like petrol. जैसे हमें पता है कि petrol जो है वो काफी volatile है as compared to the water. So vapor pressure is the pressure exerted by any vapor or gas on the surface of any liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium. तो vapor pressure क्या है कि वो pressure जो vapors या कोई gas volatile solution के surface के ऊपर exert करती है at equilibrium position. Now what are the factors which affect the vapor pressure? The first factor is temperature. With the increase in temperature on liquid surface, the pressure increases. You see, if we heat up this system which is having a volatile solution inside it, what happens? What will happen? You see, kinetic energy inside the liquid will increase, with the result more and more molecules of the liquid escape, and that increase the vapor pressure over the surface of the liquid. That's why with the increase in temperature, vapor pressure of the liquid increases. Now second is nature of liquid. You see, if the intermolecular forces of attraction are weak, vapor pressure is high. For example, in diethyl ether, ethanol have weak intermolecular forces of attraction. So, they have high vapor pressure. Whereas, for water, if we compare water with these two, the vapor pressure of water is quite low because of hydrogen bonding in it. Now the third point is boiling point. Liquids which have lower boiling point have higher vapor pressure. That's obvious. Jo liquid jaldi boil hote hain, thodi temperature pe boil hote hain, unka naturally vapor pressure kya hoga? Zyada hoga. Jo der se boil hote hain, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. एंड द फोर्थ टर्म इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड्स. द प्योर लिक्विड्स हैव हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू देयर सॉल्यूशंस. अगर एक लिक्विड प्योर फॉर्म में है और फिर उसी लिक्विड का सॉल्यूशन लेते हैं, जहां पे वो प्योर फॉर्म में है वहां पे उसका वेपर प्रेशर हाई रहेगा, और जहां पे वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है वहां पे उसका वेपर प्रेशर कम होगा. आइए आगे देखते हैं. तो मैं लास्ट लाइन रिपीट करूंगा. द प्योर लिक्विड्स हैव ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू देयर सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल, हम यहां पे एक प्योर लिक्विड लेते हैं, कोई भी प्योर लिक्विड लेते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर जो है, इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा, क्योंकि ये इस लिक्विड में सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल है, एक तरह का लिक्विड है. तो दिस लिक्विड इज प्योर एंड वेपर प्रेशर इज हाई. नाउ हियर वी टेक द सॉल्यूशन. इसमें एक तो यही लिक्विड है ए मान लो, और उसमें एक लिक्विड बी भी ऐड कर दिया गया है. ए और बी यहां पे दो लिक्विड्स हैं, तो ये क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन. अब यहां पे क्या ए का वेपर प्रेशर वही रहेगा? वही रहेगा जो
उसकी प्योर स्टेट में था, नहीं। अब ए का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेस इन सॉल्यूशन। जब उसका सॉल्यूशन बन गया है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे इसके सरफेस पे सिर्फ ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ए टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पे वेपर्स भी नेचुरली ए टाइप के होंगे इसके। अब यहां पे ए और बी दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो विच ऑब्स्ट्रक्ट द ए मॉलिक्यूल्स टू मूव अहेड। ये जो ए मॉलिक्यूल्स हैं इनको अब बी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और इनको उतनी आसानी से सरफेस के ऊपर नहीं जाने देंगे जितनी आसानी से वो पहले क्यू में जा रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर्स प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन बाइनरी सॉल्यूशन। तो राउट्स लॉ क्या करता है, हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है, किसमें एक तो वेपर प्रेशर है, दूसरा मोल फ्रैक्शन किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर। तो राउट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। चलिए यहां से उसने क्या ऑब्जर्वेशंस ली, उसने बोला कि वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट गिव्स राइज टू ए सॉल्यूशन। इस केस में दोनों ही सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, और ये सॉल्यूशन भी क्या हो गया, वोलाटाइल सॉल्यूशन। तो अब यहां पे हम देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक वोलाटाइल सॉल्यूट है और वो वोलाटाइल सॉल्यूट प्योर है, से इट इज अल्कोहल। अब आप देख रहे हो कि यहां पे अल्कोहल जो है ये प्योर फॉर्म में है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में उसको हम लिखते हैं पी नॉट ए, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको लिखते हैं एक्स ए। तो इस सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है तो हमने इसको लिखा पी नॉट ए, और इसका मोल फ्रैक्शन लिखते हैं एक्स ए। यहां पे ऊपर ये गैस और वेपर्स बोल सकते हो आप, और नीचे जो है ये लिक्विड अल्कोहल है, लिक्विड अल्कोहल है, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरी साइड देखें तो ये भी एक प्योर सॉल्यूट है, मान लो इसको हमने मार्क किया बी, और ये वाटर है। अब इस केस में भी हम देख रहे हैं कि ये क्योंकि तो प्योर है तो इसलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इन प्योर स्टेट पी नॉट बी, और इसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स बी। लेकिन जब इन दोनों प्योर सॉल्यूट को हम कंपेयर करते हैं तो यहां पे अब देखोगे अल्कोहल के केस में, तो मैंने यहां पे फाइव जो वेपर्स बनाए, फाइव मॉलिक्यूल्स, और यहां पे थ्री वेपर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये
क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस सल्यूट सल्यूट ए इज मोर वोलाटाइल देन सल्यूट बी. दैट मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट इज ग्रेटर देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. और वी कैन से दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. तो इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? ए सल्यूट का. बी सल्यूट का वेपर प्रेशर कम है. अब हम क्या करेंगे, दोनों सल्यूट्स को एक कंटेनर में डाल के इनका सॉल्यूशन बनाएंगे. ए को भी इसमें डाल दिया और बी को भी इस कंटेनर में हमने पोर कर दिया. तो यहां पे एक सॉल्यूशन बन गया. जब ये सॉल्यूशन बन गया तो हम यहां पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के सरफेस पे ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हैं. अब क्योंकि ए का जो है वो वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है, ठीक है जी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए, लेकिन ये प्योर स्टेट में है, ठीक है जी. अब यहां पे इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रहेगा उसको हम लिखेंगे पी ए, पी ए इन सॉल्यूशन, और जो पार्शियल प्रेशर बी का रहेगा उसको लिखेंगे पी बी. अब ये प्योर स्टेट में नहीं है, अब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है. अब हम इसको पी ए और पी बी इंडिकेट करेंगे. जब ये प्योर फॉर्म में थे तब हम इनको इंडिकेट करते थे पी नॉट ए और पी नॉट बी. तो अब यहां पे हम देखते हैं कि पी टोटल क्या होगा, पी टोटल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट को फिर से एक बार. Raoult's law क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर partial vapor pressure that is PA or PB of each component of the solution on the surface of any liquid or solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं PA is directly proportional to XA, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो पी ए है एंड जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज एक्स ए. सो वी कैन राइट द पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. और दूसरी साइड हम ये लिख सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट. तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. नो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो इसके लिए एक कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए हमें, तो वो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है ये पी नॉट ए. P naught A is constant for pure solute A and P naught B is constant for pure solute B. So we can write P naught A into XA and here we can write PB equal to P naught B into XB. This is equation first and this is equation second. Since we have seen here that P total
P total equals to PA, partial pressure of A, plus partial pressure of B. So we can write here by substituting the values of first and second over here, we will get PT equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. Since mole fraction, since mole fraction of XA plus XB equals to 1. So XB becomes 1 minus XA. So substituting this value in place of XB, what we will get? PT equal to P naught A XA plus P naught B 1 minus XA, and by simplifying it we get PT equal to P naught A into XA plus P naught B minus P naught B XA. Here we see that XA is common. So the equation becomes like this: PB, P naught B plus XA, P naught A minus P naught B. This becomes the final equation of Raoult's law. This is mathematical expression for Raoult's law. Now, before proceeding on, your students can take the screenshot of it and I will proceed on. तो जो ऊपर लिखा है मैंने वही यहाँ पे आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल सेम है. यहाँ पे हम 1 और 2 यूज कर रहे हैं, वहां हमने ए और वी यूज किया हुआ है. तो जैसे P1 is directly proportional to X1, तो P1 is equal to P1 not X1. And similarly for component 2, P2 equal to P2 not X2. And according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure over the solution phase in the container will be sum of partial pressure of the components in the solution. If the solution is made up of the volatile liquids, then total pressure above the solution is P total. तो वो कैलकुलेशन मैंने आपको ऊपर बता दी है. तो आगे फाइनली हम ग्राफ देखते हैं. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ एज फॉलोस. अज्यूमिंग दैट P1 naught इज लेस देन P2 naught, तो हम अज्यूम करते हैं यहां पे P1 naught जो है वो छोटा है. P1 naught इज लेस देन P2 naught. तो चलिए यहां पे हम देख रहे हैं एक साइड वेपर प्रेशर है और दूसरी साइड वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन. तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. मान लो ये राइट एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं. यहां पे आप देखिए यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 इज 0. मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 is 0 and mole fraction of X2 is 1. When mole fraction of X2 is 1, then the partial pressure of X2 is P naught 2, right? तो यहां पर दूसरी साइड जब हम देखते हैं X2 तो 0 है लेकिन X1 जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो यहां पे जो पार्शियल प्रेशर P1 का है वो 0 है. ये क्या इंडिकेट करता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम यहां से स्टार्ट हो जाएं, यहां पे X2 is 0, ठीक है जी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 is 0 ओवर हियर. जैसे जैसे
मोल फ्रैक्शन इसका बढ़ता है, एक्स टू का मोल फ्रैक्शन जैसे 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 इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। विद द इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ एक्स टू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड फाइनली इट इज पी नॉट टू। ठीक है, यहां पे एक्स टू की वैल्यू मैक्सिमम दैट इज वन। दूसरी साइड देखें अगर तो यहां पे एक्स वन जो है वो जीरो है और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन एक्स वन का जीरो है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन एक्स वन का इंक्रीज हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और फाइनली इसका वेपर प्रेशर पी नॉट वन पहुंच जाता है और उसका मोल फ्रैक्शन जो है वन पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये इंडिकेट करती है कि टोटल वेपर प्रेशर क्या रहेगा दोनों सॉल्यूट्स, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स का। तो टोटल वेपर प्रेशर जैसे डाल्टन ने बताया कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ इज दिस दैट प्लॉट ऑफ पी वन नॉट वर्सेस एक्स वन इज लीनियर। राइट, पी वन नॉट वर्सेस एक्स वन इज लीनियर एंड पी नॉट टू वर्सेस एक्स टू इज लीनियर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इक्वल टू पी नॉट टू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल वो है पी नॉट वन दैट इज वन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।